ऐसे भेज आलू गोभी की रेसिपी अब आपकी व्रत वाले दिन में बना के खाइए फ्रेंड, बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मैंने और एक यूनिक रेसिपी के साथ आपके सामने आ गई हूँ। आज का जो रेसिपी है वो है आलू गोभी की सब्जी। यस फ्रेंड, ये तो आलू गोभी की सब्जी आप भी बना सकते हो मुझसे बेटर, लेकिन मेरी जो ये रेसिपी है ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये यूनिक है, क्योंकि मैं ये दही के साथ बनाऊंगी और बिल्कुल भेज है और क्या है, बिल्कुल लेस ऑयल में। सबसे पहले मैंने आलू गोभी को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर ली एंड अच्छे से वॉश भी कर ली, और मैंने टमाटर को भी काट करके रख दी। यस फ्रेंड, ये टमाटर बहुत ही खट्टा है, इसलिए मैंने एक ही टमाटर लिया है। और मैंने एक पैन ले ली एंड पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल दूंगी। फ्रेंड आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल लेस ऑयल से मैं ये रेसिपी बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने गोभी को फ्राई करूंगी। जैसे मेरा ऑयल गर्म हो जाए तो मैं क्या करूंगी, उसके अंदर मैंने गोभी को डाल दूंगी। एंड यू नो फ्रेंड, जब गोभी को हम लोग फ्राई करते हैं तो एक बार ध्यान देना है कि पैन की लीड को बंद करना है, क्योंकि पैन की लीड को बंद करने से ना ये बहुत ही जल्दी अच्छे से कुक हो जाते हैं। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट दे दी एंड थोड़ा सा हल्दी भी दूंगी। ये तो आपको भी पता है, कोई भी वेजिटेबल को जब हम लोग फ्राई करते हैं ओनली फॉर सॉल्ट और हल्दी पाउडर देकर, एंड देन धीरे धीरे सटे करके इसका ढक्कन को भी मैं बंद कर दूंगी। देख लीजिए फ्रेंड, ये मेरा 60% अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसे अलग से एक प्लेट में निकल के रख दूंगी एंड देन वही पैन पे मैंने और 2 स्पून मैंने ऑयल ऐड करूंगी, बहुत ही लेस ऑयल में, पहले ही बताए। एंड देन इसमें सेम प्रोसेसिंग से मैं आलू को भी फ्राई करूंगी हल्दी एंड सॉल्ट देकर। फ्रेंड इस तरीका से एक बार घर पे जरूर बना के खाना, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होते हैं और ये बिल्कुल वेज रेसिपी है। तो जब तक आलू फ्राई हो रहा है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इसके लिए जो मसाला है वो मैं तैयार करूंगी। तो मैंने कार्ड ले ली एंड जीरा पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर ले ली एंड मैंने इसमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी एंड आपकी जो टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी देना है एंड हल्दी पाउडर भी देना है। एंड देन दही के साथ इन सारे जो इंग्रेडिएंट मैंने ऐड कर दी, तो इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है। फ्रेंड एक टिप्स आप सबके साथ मैं बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप कोई भी रेसिपी में, यानी कई सब्जी जब आप बना रहे हो दही ऐड करना चाहते हो ना फ्रेंड, उसको डायरेक्टली उस सब्जी में ऐड मत कीजिए, तो फिर वो दही ना फटने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले आप ऐसे करके मतलब उसका फाइन पेस्ट बनाओगे ना तो उसमें दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया था, थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काले मिर्च। तो क्योंकि आपको तीखा खाना पसंद है तो आप काले मिर्च ऐड कर सकते हो, काले मिर्च हमारा हेल्थ के लिए अच्छा भी होते हैं, क्योंकि ये जैसे लाल जो रेड चिली पाउडर होता है उससे तो ये बेटर ही है। और इधर देख लीजिए मेरा आलू तो फ्राई हो चुका है। अभी आलू गोभी एक अलग से प्लेट में मैंने अलग करके रख दी। फिर मैंने इसमें और थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड करूंगी। फ्रेंड इसमें मैंने 2 स्पून ऑयल ऐड कर दी, लेकिन चाहे तो मैंने 1 स्पून भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग सोचेंगे मैं कितना कंजूस हूँ, इसलिए खारे मसाला में मैंने 1 सूखा मिर्च, 1 तेजपत्ते एंड थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड कर दी एंड देन मैंने इसमें टमाटर को भी ऐड कर दी। इसके बाद मैंने इसमें 1 स्पून अदरक की पेस्ट भी ऐड करूंगी। फ्रेंड ज़्यादा अदरक की पेस्ट बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि मैं पहले ही बताई कि ये जो रेसिपी है आपकी व्रत वाले दिन के लिए है, तो ज़्यादा मसाला बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। तो
इसके बाद जो मैंने फाइन पेस्ट बनाई थी मसाला की वो मैं धीरे धीरे इसमें ऐड करूंगी। और एक बात है कि फ्रेंड, इसमें आपको जो गैस की जो चूल्हा है मतलब गैस जो है उसको बिल्कुल भी लो फ्लेम में ही रखना है। देख लीजिए फ्रेंड, एक मिनट की सॉटे होने के बाद ही इसका कितना अच्छा से कलर आ गया। एंड जो कटोरी में मैंने मसाला लिया था उसमें से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दी एंड देन धीरे धीरे एक मिनट के लिए सॉटे करना है। फ्रेंड, आज मैं एक बार भी नहीं बताऊंगी कि आज ये मेरी जो रेसिपी है यानी ये जो वीडियो है इसको एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपको मेरी रेसिपी यूनिक लगेगा तो आप ज़रूर लाइक करेंगे। और मेरी रेसिपी को आप पसंद नहीं आए तो एक अनलाइक कर दीजिए। देख लीजिए, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली ऐड कर दी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है और मेरी फैमिली को भी तीखा खाना पसंद है। एंड धीरे धीरे जो फ्राई किया हुआ आलू एंड गोभी है वो भी मैं धीरे धीरे इसमें ऐड करूंगी। इसके बाद गोभी को एंड आलू को दो मिनट के लिए सॉटे करना है लो फ्लेम में। एंड देन क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। आलू गोभी की ये रेसिपी में आप चाहे तो मटर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आज मेरे घर पे मटर अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने ऐड नहीं कर पाई, क्योंकि मटर देने से ना ये बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। देख लीजिए फ्रेंड, कितना यूनिक नहीं लग रहा है ये रेसिपी। ये चाहे आप चावल के साथ चाहे आप रोटी के साथ खा सकते हो, बहुत ही यम्मी होते हैं। आप इस तरीका से एक बार बना के खाइए दही के साथ, और ऐसे कम ऑयल से बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप कोशिश करना मैं जितना भी ऑयल ऐड किया है उससे भी कम ऑयल से करने के लिए। इसके बाद मैंने थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर दी। मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेसिपी में ना फ्रेंड ज़्यादा वाटर ऐड करोगे यानी पानी ऐड करोगे ना अच्छा नहीं लगेगा। ये थोड़ा मतलब थीकी थीकी ग्रेवी होगी तो फिर ये बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनेगा। अभी मैंने इसे 5 मिनट के लिए बॉईल होने दूंगी, क्योंकि आलू एंड गोभी सिर्फ 60% ही मैंने फ्राई किया था, तो अभी ये अच्छे से बॉईल भी होना है, नहीं तो ये सॉफ्ट नहीं होगी। तो ऐसे मीडियम टू लो फ्लेम में आपको 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है। एंड देन उसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड करना, थोड़ा सा शुगर ऐड करने से ना फ्रेंड इट विल बी मोर टेस्टी एंड डिलीशियस। एंड देन मैंने इसमें क्या ऐड कर दी, 1 स्पून घी। ये तो बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आप 1 स्पून घी जैसे इसमें ऐड करोगे ना, क्या बताऊँ फ्रेंड, एक बार इसमें ऐड करके देखना कितना यम्मी होगी। एंड देन मैंने इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ता भी मैंने ऐड कर दी। इट्स लुकिंग यम्मी एंड टेस्टी, यस ना फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज का रेसिपी इतना तक। फिर मिलते हैं और एक नया यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और एक बात फ्रेंड, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।